हाँ जी, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी उस दिन कर रहे थे। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस मैम, विजिबल। विजिबल, ओके। ठीक है, तो हम लोग स्पेक्ट्रो का ही थोड़ा सा कर रहे थे, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जनरल, हाँ, राइट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर ली थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर ली थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, ये है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, है ना, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा स्पेक्ट्रम किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, द रेडिएशंस विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव्स तक, जो पूरी डिफरेंट वेवलेंथ्स की अरेंजमेंट है इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें जो रेडिएशंस हैं बेटा, जो ट्रांसमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इन वेव फॉर्म, पेन चूज कर लूं मैं जरा, हाँ, इन वेव फॉर्म, राइट। तो अगर लो एनर्जी रेडिएशंस हैं दैट आर एसोसिएटेड विद लॉन्ग वेव, ये हमने उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी देखा था। ठीक है, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ई जो होता है, एनर्जी जो होती है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखें तो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दैट मींस ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। हाँ जी, हाँ, यहां रख दो। क्या ये सिंपल वाटर का सैंपल है, डिस्टिल वाटर है? ठीक ठीक, सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो अगर लो एनर्जी रेडिएशंस है तो दैट मींस नेचुरली उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, अगर हाई एनर्जी रेडिएशंस है दैट हैज अ शॉर्ट वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। और अगर हम इसी को ही फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, राइट। सो द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी विल इंटरैक्ट विद मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट वेज, तो किसी रेडिएशन की जो जो रेडिएशन एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के किस तरह से इसके साथ इंटरैक्ट करती है, तो डिफरेंट रेडिएशन एनर्जी की स्ट्रेंथ डिफरेंट तरीके से इंटरैक्ट करेगी। जैसे हाई एनर्जी सोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरेज, गामा रेज, राइट, सो दे विल प्रोड्यूस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल है और उसके दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर एक्सरे और गामा रेज हैं तो वो इस मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक है, सो हाई एनर्जी सोर्सेज जो है एनर्जी के, दे विल प्रोड्यूस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, एक्सरेज हो गए, गामा रेज हो गए। ठीक है, मीडियम एनर्जी सोर्सेज जो होंगे दे विल एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी रेडिएशन है अगर, या विजिबल रेंज है, विजिबल मतलब विबग्योर, ठीक है, यानी कि वायलेट कलर से लेके रेड कलर तक जो रेंज है, हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था इसकी रेंज, ठीक है, दैट इज 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, या कुछ बुक्स में 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर लिखा होता है। तो यूवी और विजिबल अगर रेडिएशंस हैं, मीडियम एनर्जी सोर्सेज हैं, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर, सो वो आ जाएगी यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद आ जाओ लो एनर्जी सोर्सेज, तो अगर लो एनर्जी सोर्सेज हैं दे विल प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि अगर ये केमिकल बॉन्ड है तो इनमें वाइब्रेशंस होंगी इन इट्स ओन पोजीशन, जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करेगा अपनी ही पोजीशन के ऊपर, और ये एनर्जी सोर्सेज होंगे इंफ्रारेड, आईआर। ठीक है, सो लो एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन
केमिकल बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रारेड एनर्जी, और इसको हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे. आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. एंड वेरी लो एनर्जी है, अगर वेरी लो एनर्जी सोर्सेज है तो दे विल प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये केमिकल बॉन्ड है तो इसकी रोटेशन हो जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है. तो ऐसी जो सोर्सेज हैं उनमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं माइक्रोवेव्स एंड रेडियो, राइट. तो इसको हम बोलेंगे, जिसमें माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स यूज होते हैं, इसको हम कहेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. और यहां पे जहां पे एक्साइटेशन हो रही है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. तो ये तीन टाइप की हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं, या आप इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो कौन सी रेडिएशन यूज होंगी, यूवी एंड विजिबल. अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो कौन सी रेडिएशन यूज होगी, आईआर, ठीक है, लो एनर्जी वाली. और अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो वेरी लो एनर्जी की रेडिएशन यूज होंगी, दैट इज माइक्रोवेव एंड रेडियो. ऑल राइट, इतना समझ में आ गया. सो ये अब थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. ये देखिए, कॉस्मिक रेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पेस से आती रेडिएशन है, उनका हम उनके बारे में नहीं हम पढ़ेंगे. तो ये आ गई जामा रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी आप, ये एनर्जी बता रहा है 1.2 से लेके 10^5 से लेके 10^7 तक, ठीक है. ये गामा रेज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10^10, और ये वेवलेंथ दे रखी है. एक्स रेज, अगर एक्स रेज मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेंगी तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है. अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या विजिबल रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो वह एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होके चला जाएगा ऑन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. अल्ट्रावायलेट में भी और यूवी में भी, दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आए. उसके बाद अगर इंफ्रारेड है, इसकी रेंज भी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी भी देख लीजिए, वेवलेंथ एंड एनर्जी, ठीक है. तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगी, उसके बॉन्ड्स में वाइब्रेशन होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. देन माइक्रोवेव है, राइट. तो माइक्रोवेव में बॉन्ड की रोटेशन होगी एंड दिस इज नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. और इसकी रेंज भी देख लीजिए, इसकी एनर्जी होगी 0.12 से लेके 0.0012 किलो जाउल्स पर. और इसकी वेवलेंथ जो है माइक्रोवेव की वो 10^8 तक है यहाँ, राइट. ये 10^10 होगा से लेके 10^8, ठीक है. तो ये तीन हमने स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो है इस चैप्टर में पढ़नी है. ये कलर कूलर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कॉम्पोजिशन भी बता दी थी. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, यस. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मतलब क्या है, उस दिन भी मैंने बताया था कि जो कलर एब्जॉर्ब होगा, जो हमारी आंख देखती है कलर सीन बाय आई, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक है. दैट इज येलो एंड ग्रीन. सो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है येलो एंड ग्रीन. और अगर येलो एंड ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो वी विल सी वॉयलेट. सिमिलरली अगर ब्लू एब्सॉर्ब हो रहा है तो उसका जो कलर हमें दिखाई देगा दैट इज येलो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है. और अगर येलो हो रहा है तो हमें ब्लू दिखाई देगा. सो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं. अगर ये कलर्स हैं तो हमें जो दिखेंगे, राइट, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट. सो व्हेन अ सैंपल ओनली एब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ द आई सीज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. तो प्लीज नोट दिस थिंग. उसमें जो पिछली बार मैंने आपको बताया था वो था कि अगर जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं और उसका कलर जो हमें दिखाई देता है तो वो जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो हमें दिखाई देता है, राइट. लेकिन अगर कोई सैंपल लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है,
अगर सिर्फ सिंगल वेवलेंथ अब्सॉर्ब करे तो हमें जो आई का कलर सॉरी हमें जो उसका कलर नजर आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसका. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. यस मैम. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर. सो ये आपको पता होने चाहिए. रेड है तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ब्लू ग्रीन दिखेगा. ऑरेंज है तो ऑरेंज का हमें ग्रीन ब्लू दिखेगा एंड सो ऑन. ठीक है चलिए अब ये थोड़ा सा हम इसको देखते हैं. ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं. उस दिन भी थोड़ा सा मैंने इसको टच किया था. सो ये सपोज अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं एस नॉट सपोज इट इज अ ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एस वन एक्साइटेड स्टेट. ठीक है तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एस नॉट से एस वन जा रहा है बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की राइट इस तरह की जो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम एब्सॉर्प्शन बोलते हैं. एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहा है. दिस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी राइट. अब ये दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं यानी कि ये मेन लेवल्स हैं एस नॉट एंड एस वन. ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स. ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वी वन वी टू वी थ्री एंड सो ऑन. एक्साइटेड स्टेट में भी इसी तरह से एस वन है तो इसके साथ वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड है. आई होप माई कर्सर इज विजिबल. इसी तरह से इस वाइब्रेशनल लेवल में भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे. इस वाइब्रेशनल लेवल में भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे एंड सो ऑन. ठीक है तो जब भी कभी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की ये होती है एक्साइटेशन होती है तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में तो होती ही है साथ ही साथ वाइब्रेशनल लेवल्स में भी होगी साथ ही साथ रोटेशनल लेवल्स में भी होगी. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई और अगर हम देख रहे हैं लोअर से हायर लेवल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी then it is called absorption spectroscopy. इसी तरह से यहाँ पे vibrational में ठीक है vibrational levels में अगर excitation हो रही है तो vibrational spectroscopy, rotational में हो रही है तो rotational spectroscopy. और बिल्कुल इसके opposite अगर suppose excited state से electron किसी भी lower level में fall करता है by emission of energy then it will be known as emission spectroscopy. I hope I am clear. Yes. अगर एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर वाले लेवल में जा रहा है तो उसको हम कहेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि ट्रांजिशन हो रही है. ठीक है और अगर हम अगर ऊपर वाले किसी भी हायर एक्साइटेड लेवल से लोअर लेवल में फॉल कर रहा है किसी भी लोअर लेवल में फॉल कर रहा है एक्साइटेड से लोअर में then it is called emission spectroscopy because that transition is accompanied by emission of energy in the form of a radiation. ठीक है और अगर वो radiation उसकी wavelength उसकी energy visible region में fall करेगी तो वो हमें कोई ना कोई color दिखाई देगा. I hope I am clear. Yes. So yes, that is known as emission spectroscopy. तो हमने तीन तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. ठीक है जिसको वाइब्रेशनल को IR भी बोलते हैं रोटेशनल को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है. और ये देखो यहाँ से आप ये चीज याद कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो किसकी वजह से होगी यूवी विजिबल ठीक है रेडिएशन की वजह से. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन यूज होती है IR ठीक है और रोटेशनल में कौन सी यूज होती है माइक्रोवेव. चलिए और ये देखिए यहां से आपने देखा इलेक्ट्रॉन मैं दोबारा दिखाती हूँ
इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन सी, सो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रहा है, फिर वाइब्रेशनल लेवल में एंड फॉलोड बाय रोटेशनल लेवल. आई होप सबको दिखा कि मैं दोबारा दिखाऊं. दिख गए मैम. यस राइट. और यहाँ उसको यूवी रेडिएशन, हाँ आईआर. अब जब आईआर उसने एब्सॉर्ब की वाइब्रेशनल लेवल, जब माइक्रोवेव की रेडिएशन एब्सॉर्ब की रोटेशनल लेवल, फ्रॉम वन रोटेशन लोअर रोटेशनल लेवल टू हायर रोटेशनल लेवल. ठीक है. यस मैम. मैम एक टाइम एटी एब्सॉर्ब करेगा. हाँ जी क्या कह रहे हो? एक टाइम पे एब्जॉर्ब करेगा वो. जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है इट इज फॉलोड बाय वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस एज वेल. समझ आ गई? ठीक है. जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम लोअर लेवल, यस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इट इज फॉलोड बाय वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस ऑल्सो. इनको ट्रांजिशंस बोलते हैं. नीचे से ऊपर जाना इज ट्रांजिशन, ऊपर से नीचे आना इज ट्रांजिशन. ये आप लोग. मैम. हाँ जी मैम. जब हमने यूवी कोई यूवी लाइट यूज कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ही दिखेगी, फिर रोटेशनल और वाइब्रेशन भी दिखेगी साथ में. वो हमें वो होंगी ट्रांजिशन साथ में होंगी, लेकिन उस केस में एक शार्प पीक नहीं आएगी, उस केस में ब्रॉड बैंड्स आते हैं. सो स्पेक्ट्रा में हमें शार्प पीक नहीं दिखाई देती जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसको आप कहते हो, उसमें शार्प पीक आपको नजर नहीं आएगी, उसमें ब्रॉड बैंड नजर आएगा. अरे उसमें कहाँ गया मेरा पेन? हाँ उसमें ये ब्रॉड बैंड. तो ये ब्रॉड बैंड क्यों आता है, ये क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाई ब्रॉड बैंड्स अपीयर, वाई नॉट शार्प पीक्स. सो उसका आंसर यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इट इज अकंपनीड बाय वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, ठीक है, एंड रोटेशनल ट्रांजिशन. और रोटेशनल और रोटेशनल जो लेवल्स हैं वो इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं कि इसमें अगर हो रही है ट्रांजिशन हो रही है तो वो सारे जो है वो क्लब करके एक ब्रॉड पीक बन जाती है, सॉरी पीक नहीं ब्रॉड बैंड बन जाती. आई होप आई एम क्लियर. समझ में आया? ठीक है. यस मैम. यस. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हो ही रही है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, लेकिन इट इज अकंपनीड बाय वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑल्सो एंड रोटेशनल ट्रांजिशन. सो दीज लेवल्स आर सो क्लोजली स्पेस्ड कि इनकी जो ट्रांजिशंस हैं वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, तो इट विल फॉर्म अ ब्रॉड बैंड. राइट. ये आगे क्वेश्चन भी था. आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस मैम. तो फिर आयर और माइक्रोवेव होगी वो, उसमें फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं दिखेगी? वो अलग है. जब आप सिर्फ वाइब्रेशनल लेवल्स की ट्रांजिशन देखोगे, जब बहुत मीडियम देखो, ये मीडियम एनर्जी की रेडिएशंस हैं यूवी विजिबल, जब ये होंगी इट इज अकंपनीड बाय वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस. जब वाइब्रेशनल होंगी यानी कि जब सिर्फ आईआर रेडिएशन एब्सॉर्ब हो रही है, कोई मॉलिक्यूल कर रहा है, तो वाइब्रेशनल रोटेशंस होंगी फॉलोड बाय रोटेशनल लेवल्स. ठीक है. और अगर बिल्कुल ही मिनिमम लो एनर्जी वाली रेडिएशन है माइक्रोवेव, देन ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज विजिबल. आई होप नाउ इट इज क्लियर. यस मैम. ठीक है. राइट. सो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ, देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आर ऑब्जर्व. क्लोजली स्पेस्ड, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होती हैं, तो वो हमें नजर नहीं आएंगी, दैट विल अपियर एज अ बैंड. ठीक है. सो ईच सच ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस इज कॉल्ड अ बैंड. आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है. यस मैम. एटम के केस में जब आप एटम का स्पेक्ट्रा देखते हो, अब हम मॉलिक्यूल्स पे आगे हुए हैं, अब हम छोटी क्लासेस में नहीं है. प्लस वन प्लस टू में आप लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, जिसमें आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा था कि उसमें
शार्प पीक्स आती हैं, लाइंस आती हैं, ऐसे लाइंस अपीयर होती हैं, है ना, पढ़ा था ना आपने, जिसमें आपने 5 सीरीज ऑफ लाइंस पढ़ी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में. यस मैम, यस मैम, राइट. सो वो एटम्स का स्पेक्ट्रा. अब मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा हम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा में बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आती हैं. सो दोस क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड अ बैंड. तो वो हमें बैंड नजर आता है, ठीक है बेटा. सो मॉलिक्यूल्स विल गिव बैंड स्पेक्ट्रा, एटम्स विल गिव लाइन स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल्स विल गिव बैंड स्पेक्ट्रा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. आई होप इट इज यस मैम. चलिए, हाँ, यहां पे मैंने एक चीज और बतानी थी, सॉरी मैं वापस आती हूँ. अरे हाँ, यहां पे मैंने एक और चीज आपको बतानी थी कि जब भी कोई एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की, राइट, जैसे लोअर लेवल से हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है. और डेल्टा ई किसके बराबर है, दैट इज एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, दैट इज ई टू माइनस ई वन, ठीक है. सो ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू डेल्टा ई. डेल्टा ई इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, एंड वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू वन फोटोन, दैट इज इक्वल टू वन फोटोन. एंड फोटोन कितना होता है, एच न्यू, ऑलवेज रिमेंबर प्लीज, वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू. एच न्यू, हाँ, या आप इसको कह सकते हो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, अगर आपने वेवलेंथ में लिखना है, देन इट इज राइट एच सी बाय लैम्डा. सिमिलरली इसी तरह से जब कोई एमिशन होती है तो वो भी एमिटेड रेडिएशन भी जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, राइट, डेल्टा ई विथ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच न्यू, राइट. सो हाँ, एक और चीज अगले पे लिख लेते हैं क्योंकि ये भर गया है. हाँ, एक और आपको पता होना चाहिए वेव नंबर. व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार, सबको पता है छोटी क्लासेस में. yes. What is wave number? 1 by lambda. Ah, 1 by lambda. It is reciprocal of wavelength. That is 1 by lambda. और इसकी यूनिट अगर वेवलेंथ मीटर में है तो इसकी यूनिट होगी पर मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट होगी पर सेंटीमीटर. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. उसके बाद ये रेंज लिखी हुई है. यूवी रेडिएशन वेवलेंथ की रेंज 220 से 380 नैनोमीटर. विजिबल की नेचुरली जहां पे यूवी खत्म होगा वेवलेंथ, विजिबल की वेवलेंथ वहां से शुरू होगी 380 से 780. ये वेरी कर रहा है, किसी बुक्स में मैंने आपको पहले भी बताया 350 तक है, किसी बुक में 400 तक है. तो राइट, सो सब्सटेंसेस कैन एब्जॉर्ब वेरिंग अमाउंट ऑफ यूवी एंड विजिबल रेडिएशन एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, एंड कलर्ड कंपाउंड एब्जॉर्ब एनर्जी इन बोथ UV and visible region of electromagnetic spectrum. ठीक है, so substances can be liquids, substances liquid भी हो सकते हैं, solids भी हो सकते हैं, and measurements are made with instruments called spectrophotometers or spectrometers, right? तो उनकी कितनी color absorption है जिसको हम lambda max बोलते हैं, ठीक है, इसको measure करने के लिए एक instrument होता है जिसको आप कहते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर्स, जो मेरी लैब में भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने कई बार मेरे को देखा होगा उस पे काम करते हुए, राइट. सो उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर्स कहते हैं. सो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कपल्ड टू माइक्रोस्कोप्स विच अलाउ सॉलिड सैंपल्स एंड वेरी स्मॉल सैंपल्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स टू बी एनालाइज्ड बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको हम माइक्रोस्कोप्स के साथ कपल करके सॉलिड सैंपल्स, ठीक है,
बहुत ही छोटे सैंपल, बहुत ही कम अमाउंट के सैंपल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या है, क्वांटिटेटिवली का मतलब है उसमें कितना कितना है अमाउंट, राइट right? तो ये भी आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम।